Hold up. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके एक और नए वीडियो में। और आज हम बात करेंगे कि नागराज कौन है, वो कहाँ से आया है और उसके पास इतनी ज़्यादा शक्तियाँ कहाँ से आई है, तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है बहुत पुराने टाइम से, यानी कि एक एंशियंट टाइम से। एक पुराना महल या फिर एक जगह थी जिसका नाम था तक्षक। तक्षक में एक राजा और रानी थे। रानी का नाम था ललिता और राजा का नाम था तक्षकराज। और उसी के साथ राजा का यानी कि तक्षकराज का भाई का नाम था नागपास। राजा और रानी को कोई भी संतान ना होने के वजह से नागपास को पता था कि आगरा राजा वही बनने वाला है और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार भी था। जैसे उसे पता चला कि राजा रानी को कोई संतान नहीं हो सकती, तो वो अपनी ज़िंदगी आराम से या फिर मौज से काटने लगा। वो कैसे भी जीता, वो किसको भी सज़ा दे देता या फिर कुछ भी करता जो अपने मन में आता। इससे परेशान होकर एक बार महारानी ललिता कहती है कि चलिए महाराज, हम जाके हमारे भगवान से यानी कि हमारे नाग देवता से प्रार्थना करते हैं। अगर हमारे कोई संतान नहीं हुई तो शायद हमारे इस उज्जवल और अच्छे ग्रह का कुछ नहीं हो सकता, और अगर आपका भाई राजा बन गया तो हमारे राज्य का भी कुछ अंत हो सकता है। जैसे राजा और रानी नाग देवता के पास जाकर प्रार्थना करते हैं तो नाग देवता भी कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारे पास एक संतान जन्म लेंगी, उसके पास बहुत सारी खूबियाँ होंगी और वो एक अच्छा राजा भी बनेगा। और इसी के साथ हमारी महारानी प्रेग्नेंट हो जाती है। जैसे नागपास को ये पता चलता है कि महारानी प्रेग्नेंट है तो वो गुस्सा हो जाता है और वो एक योजना बनाता है कि हमारे होने वाले प्रिंस का हम खात्मा कर देंगे। अगर कोई लड़का या लड़की पैदा ही ना हो तो इसको कोई चलाने वाला राज्य होगा ही नहीं और पूरा का पूरा राज्य अपने आप ही राजपास के हाथ में आ जाएगा। लेकिन नागपास के दिमाग में और भी कुछ ज़्यादा भयानक बातें चल रही थी। एक दिन जब महारानी नाग देवता की प्रार्थना और उसकी पूजा करने के लिए जा रही थी, उसी वक्त नागराज एक चालाकी करके उसके थाली में एक मरा हुआ मुंगूस डाल देती है। रानी का ध्यान उसके ऊपर जाता नहीं और वह वैसे ही पूजा में चली जाती है। पूजा खत्म होते वक्त जब वो नाग देवता को भेंट स्वरूप एक मरा हुआ मुंगूस गलती से दे देती है तो नाग देवता को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बिना कुछ सोचे समझे सीधे ही अपने महारानी के ऊपर जहर उगल देते हैं। जहर यानी कि पॉइजन उगलने के कुछ देर बाद ही महारानी की हालत ख़राब हो जाने लगती है और कई कई जब महारानी मरने लगती है तो राजा नाग देवता के पास आके क्षमा मांगता है। वो ये समझाने की कोशिश करता है कि वो शायद गलती से हुआ होगा और नाग देवता को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। नाग देवता पूरा शेर निकालने में कामयाब नहीं हो सकते तो वो उसका पूरा शेर उसके पेट के यहाँ पे समाविष्ट कर देते हैं और एक मैजिक क्रिस्टल के द्वारा निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिस वक्त महारानी बच जाती है उसी वक्त वो पूरा जहर उसके पेट में पड़ रहे बच्चे के ऊपर असर कर देता है और उस बच्चे की मौत उसी जगह पे हो जाती है। उसी वक्त दूसरी तरफ नागपास नाग देवता के पास जाता है और कहता है कि देवता, ये देखिए, आपका कोई भी वंशज या फिर आप कोई भी फ्यूचर में पैदा होने वाला सब मर गए हैं, यानी कि आप पूरे के पूरे जगह का मालिक मैं ही हूँ और इस राज्य का भी, और उसी के साथ उस खजाने का मालिक भी मैं हूँ जो आपके पास रखा है और जो पीढ़ियों से हमारी और हमारी पूर्वजों की अमानत रही है। उसी जगह पे नाग देवता प्रकट हो जाते हैं और कहते कि नहीं, अभी तक तुम राजा नहीं बने और जो इस जगह का राजा है और वो इस जगह का वारिस है वो अभी तक जिंदा है और वो फ्यूचर में ज़रूर लौट के आएगा और तुम्हें राज्य को अच्छे से संभाल लेगा। जब नागपास को ये पता चला कि राजा का बेटा जिंदा है तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगा। वो इतना ज़्यादा गुस्से में आ गया कि उसने गलती से नाग देवता के ऊपर हमले करने की कोशिश कर दी। जिस वक्त वो हमला करने वाला था उससे पहले ही नाग देवता ने उसके ऊपर अपने पूछ से एक छोटा सा हमला कर दिया जिसके अंदर उसकी मौत तो नहीं हो गई लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा दूर जाके गिर गया। जहाँ पर वो गिरा था वहाँ पर दो कटोरे रखे हुए थे। एक कटोरे के अंदर था अमरूद और दूसरे के अंदर था जहर। लेकिन दोनों कटोरे नागपास के ऊपर गिरने के वजह से आप वो अमर तो हो गया था लेकिन जहर के वजह से उसका पूरा शरीर जल चुका था, या फिर कहा जाए कि उसका मुंह और उसकी बॉडी करीब करीब जल चुकी थी। उसे देखते हुए बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा। उसे ये लगने लगा कि राजा और उसके बेटे के वजह से ही अब वो बहुत ही ज़्यादा कुरूप हो गया है और वो अपनी खुद की जान भी नहीं ले सकता क्योंकि अमरूद के वजह से वो अब अमर भी हो गया है। उसी गुस्से में आके वो राजा और रानी को मार देता है।
वहीं दूसरी तरफ राजा का बेटा एक विशिष्ट और एक गोपनीय आइलैंड पे पहुंच चुका था, जिस आइलैंड का नाम था नाग आइलैंड। नाग आइलैंड पे पहुंचते वक्त जहाँ पे उसे एक साधु ने देखा तो उसे उसने उपचार के लिए कहीं और रह गया, और उसी वक्त उस कुटिया से पता चला कि यह नाग आइलैंड पूरी तरह से इच्छाधारी नागों से बना है और इच्छाधारी नाग ही इस आइलैंड के ऊपर रह सकते हैं। और कई कई इसी वजह से उस राजा के बेटे का उपचार यहाँ पे संभव था, क्योंकि जो भी एंटीवेनम टोड वहाँ पे होगा वो शायद राजा के बेटे के ऊपर असर करने लगेगा। और 6 सालों के बाद राजा का बेटा उस विष से पूरी तरह से ऊपर उभरने में कामयाब हो गया और वो अब ठीक हो गया था। लेकिन ठीक होने के साथ उसके अंदर कुछ बदलाव भी होने लगे, वैसे कि जब जन्म के वक्त उस विष के कारण उसका शरीर नीरा था, अब वो उपचार के वजह से धीरे धीरे हरा पड़ने लगा और हरे होते हुए ही उसका शरीर हमेशा के हरा और सफ़ेद में बदल गया था। लेकिन जहाँ पे हमारा हीरो स्नेक आइलैंड पे रह रहा था वहीं पे नागमणि भी रखी हुई थी, और इसी नागमणि के ऊपर पूरी दुनिया की नज़रें भी रखे हुए थे। जिस वक्त खोज करते हुए प्रोफेसर नागमणि जाते हुए हमारे नागराज से मिलते हैं तो उसे ये पता चल जाता है कि इस आइलैंड पे जो भी स्नेक या फिर जो भी ह्यूमन है वो इच्छाधारी नाग है, वो अपना रूप बदल सकते हैं और बाकी के बहुत सारे कमाल की चीज़ें भी कर सकते हैं। लेकिन उसी के साथ उसे ये भी पता चल जाता है कि बाहर का कोई भी इंसान इस आइलैंड के ऊपर नहीं आ सकता। अगर गलती से कोई आम इंसान इस आइलैंड पे आ जाए तो उसे मार दिया जाता है या फिर उसे यहाँ पे हमेशा के रहना पड़ता है, लेकिन अपने हाथ और पैर गवा कर। प्रोफेसर नागमणि बड़े चाराकी से अपने नागराज को एक झूठी कहानी बताते हैं। वो बताते हैं कि तुम बाहर से हो मुझे पता है, लेकिन तुम्हारी माँ बहुत ही अच्छी इंसान थी, मैं उसे पहचानता था और कुछ लोगों ने उसे अपने हाथों से मार दिया। जब उसे मार दिया गया तो मैंने तुम्हें इस आइलैंड पे भेजा था और आज मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। ये स्टोरी सुनते हुए नागराज को पता चल गया कि नागमणि झूठ बोल रहा है, लेकिन तब भी वो प्रोफेसर नागमणि के साथ जाता है। उसे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं उसे उसके माँ और पिताजी का कोई क्ल्यू या फिर कोई वंश मिल जाएगा जहाँ पे वो उसे आगे कोई खोजबीन कर सकता है। आगे बढ़ते हुए जब नागमणि नागराज के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उसे पता चल जाता है कि जिस जगह पे ह्यूमन के वाइट ब्लड होते हैं उसी जगह पे नागराज के शरीर में स्नेक है। इसके वजह से नागराज अपने शरीर से कभी भी कोई भी स्नेक निकाल सकता है। उसी के साथ वो किसी भी स्नेक को अपने शरीर के अंदर जगह भी दे सकता है। आगे बढ़ते हुए प्रोफेसर नागमणि एक आतंकवादी ग्रुप को नागराज को बेच देते हैं एज अ टेररिस्ट, और नागराज भी बड़े खराब और घिनौने काम कर देता है टेररिज्म के अंदर आके। वो कई सारे बम ब्लास्ट भी करता है और कई सारे इंसानों को मारता भी है। लेकिन जिस वक्त एक ऋषि मुनि की नज़र नागराज के ऊपर पड़ती है तो ऋषि मुनि उसका उपचार करने के उसके पास आते हैं, और ऋषि मुनि देखते हैं कि नागराज के सिर के ऊपर एक एंटी कंट्रोल चिप लगी हुई है और उसके साथ एक कंट्रोल चिप भी लगी हुई है। इन दोनों चिप का काम यह था कि अगर कंट्रोल चिप से अगर कोई उसको मारने की कोशिश करे तो एंटी कंट्रोल चिप नागराज का प्रोटेक्शन करती और वो हमेशा के लिए नागमणि के ही हाथों में होता या फिर उसके हाथों की कठपुतली बन के रह जाता। आगे बढ़ते हुए कुछ सालों के अंदर ऋषि मुनि नागराज का इलाज पूरी तरह से करने में सक्षम हो जाते हैं और नागराज के पास अब अपना खुद का दिमाग होता है। नागराज को पता चल जाता है कि उसने जो पास्ट में किया था, जो भूतकाल में उसने गलती की थी, भले ही वो उसने जानबूझ के ना की हो, वो गलत थे और उसकी सज़ा उन सबको मिलनी चाहिए। प्रोफेसर नागमणि को भी मिलनी चाहिए और उन टेररिस्ट को भी मिलनी चाहिए। ऐसे ही इस तरह से ओरिजिन का खात्मा हो जाता है और यहाँ से शुरू होती है हमारी हीरो की जर्नी। आगे बढ़ते हुए वो अपनी विलन को मारने लगता है, आतंकवादी संगठन को भी मारने में वो सफल हो जाता है और प्रोफेसर नागमणि को मारने को भी सफल हो जाता है। लेकिन कुछ सालों के बाद यानी करीब 5 या 6 सालों के बाद जब उसे पता चलता है कि उसके माता पिता जिंदा है, उसके खुद के राज्य में जिंदा है और अब उस जगह का राज्य यानी कि उस जगह का नया राजा उसका चाचा यानी कि नागपास है, तो अपने राज्य में लौटकर नागपास को भी मार देता है। लेकिन कई बार मारने के बाद भी जब नागपास मरने का नाम नहीं लेता तो उसे पता चल जाता है कि वो कहीं ना कहीं से अमर हो चुका है, और फिर वो एक युक्ति बनाता है। वो समंदर के अंदर एक जेल बनाता है और उसके अंदर नागपास को कैद कर देता है। अब पानी की वजह से वो एक आम इंसान के साथ वहाँ पे जी नहीं सकता और अमरता होने की वजह से वो कभी मर भी नहीं सकता। उसके बाद कई सारे अलग अलग विलन और अलग अलग कैरेक्टर इसके अंदर आए हैं और कई सारे अलग अलग भूमिका भी नागराज निभा चुका है।
लेकिन अब उसने शपथ ले चुकी थी कि आप दुनिया के अंदर जो भी प्रॉब्लम होंगी या फिर जो भी गुनाह करने वाला होगा उसे नागराज यानी कि वो खुद नहीं छोड़ेगा। और इसी के साथ वो आम दुनिया में रहने लगता है यानी कि अपने नॉर्मल जिंदगी में यानी कि मुंबई में आके वो रहने लगता है जहाँ पे प्रोफेसर नागमणि ने उसे जगह दी थी। इसी के साथ वो अपना नाम नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में राज रखता है लेकिन जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो नाग राज बन जाता है और विलन को मारने के लिए और बुराई का खात्मा करने के लिए निकल जाता है।